नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। हकीम साहब ने जिस मुहिम की शुरुआत की उसे कामयाब बनाते हुए हम पहुंचे हैं गांव गदौली में। यह हरियाणा के पास पड़ता है, तहसील इसका नारायणगढ़ है और डिस्ट्रिक्ट मैं बताना चाहूंगी अम्बाला। और हम यहाँ पे जिनसे बात करने के लिए पहुँचे हैं, जिनकी सेहत का हाल जानने के लिए पहुँचे हैं, जिन्होंने अपने घर अपने गांव हमें आमंत्रित किया है, उनका नाम है अक्षर सिंह लंबरदार जी। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं, जानते हैं हकीम साहब से वो कब से जुड़े हुए हैं और उन्हें कितना फ़ायदा मिला है, कितने वो सेहतमंद हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त हमें देने के लिए। आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया जी। जी सर, अपनी उम्र बताएं और हमें बताएं कि इस गांव के बीचों बीच जो आपने घर बनाया है, तो हम आपकी जीवन के बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे, कैसे आपने पूरी शुरुआत करी और आपकी उम्र कितनी है। मेरी उम्र जी कल से 77 ईयर की, 77 साल की शुरू है क्या। और मेरे पास जो कुछ भी है मेरे बुजुर्गों की दी हुई जायदाद है, मैं तो एक सेवक समझ का सब काम कर रहा हूँ। छोटे बड़े जो भी हैं मेरे नज़दीक रहने वाले मजदूर तबके के दूसरे भी, सब नु मैं दिल से इस तरह चाहूँ जैसे मेरे अपने बच्चे हूँ। यही मेरा लगाव सबसे है। और मैं बड़ा सुखी हूँ। तीन लड़के मेरे पास, तीनों ही शादीशुदा हैं, बच्चे हैं उनके। सारा परिवार अलग भी है और इकट्ठा भी है, किसी किस्म का तनाव नहीं, अच्छी तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और मैं एक कल किसी तकलीफ थी मेरे को, कालजे में जलन होने शुरू हुई थी, उसके लिए मैं सुलेमान जी का प्रोग्राम देखा। मैं इनसे गोंद मोरिंगा मंगवाया और लगभग 15 दिन ही बरतया, उसके बाद मैंने ज़रूरत नहीं हुई, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। वही गोंद मैं अपने पोते ने दे दिया, उसके बाल सफ़ेद थे, उन्हें यूज कराया, वह बाल काले होने शुरू हो गए। और कुछ जरूरत और है, कल बता रहा था मेरे बाबा जी और मंगवा दियो, तो उनके लिए और मंगवा दूँगा। तो बहुत अच्छी चीज़ है। और गोंद सिया मैं लगभग कम से कम 20 आदमियों से फालतू ने मंगवा कर दे दिया, जितने ने दिया, किसी के गोड्डे में दर्द था, डॉक्टर ने बताया भाई इसका गुड्डा ही बदला जाएगा, 7-8 लाख रुपए का खर्चा। और आज मैं बिल्कुल तंदुरुस्त फिर रहे, एक कमर से जुक का चलना लग गया था उसने दिया, वो बिल्कुल ठीक चल रहा। और मेरे अपने लड़के का चोट लगी थी कमर में, 1.5-2 साल से कोई काम नहीं कर सका था, इसके सेवन से आज वो भी ट्रैक्टर चला रहा, खेत में काम बिल्कुल बड़ी अच्छी तरह से कर रहा जी। और घर में ही अपने लड़के की बहू ने दिया, एक उन्हें जैतून का सिरका मंगवा का दिया, उन्हें शुगर की तकलीफ थी, आज वह भी अपने आप को ठीक बता रहे हैं। तो मैं तो यूँ कहूँ भाई जैसे ही हैं दवाइयाँ दे रहे, जैसा कुछ ही हैं बता रहे, लोगों का बहुत ही दे रहा उसमें। और मेरी समझ में तो परमात्मा मारी सुन दो, तो ऐसे सज्जन आदमी लंबी आयु दे जिससे लोगों का खूब भला हो। सर, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि जैसा कि हमने देखा कि आपके पास बहुत भैंसे भी हैं, गाय भी हैं, आप देखरेख करते हैं खुद उनकी, और एक छोटी चीज़ से आपने शुरुआत की होगी, मैं जवानी की बात करूँगी, और अब तो आप खैर 70+ हो गए हैं सर, तो इस कामयाबी का श्रेय आप किसको देंगे? इतनी मेहनत से आपने ये रखवाली आप कर रहे हैं, इतनी सेवा आप कर रहे हैं, वो भी हमें ज़रूर बताएं, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। ये तो मेरे जी शुरू से अपना शौक था मशीनरी का जी। करीब मैं 7-8 साल की उम्र का था, मारकंडा नदी मारे यहाँ 1 किलोमीटर पर चला मारी खेता माँ, तो मेरे बड़े भाइयों के पास ट्रैक्टर था, उनका ट्रैक्टर फंस गया, बड़ी कोशिश करी ट्रैक्टर नहीं निकला उनका, जोटे भी लगाए, बैल भी लगाए, आदमी भी लगाए, ट्रैक्टर नहीं निकला। अगले दिन बच्चों के साथ मैं भी घूमता फिरता चला गया, कहा ट्रैक्टर दस रहा उनका निकला नहीं मारकंडे में, से पानी आ गया तो वहीं फंसा रह जाएगा। मैं बच्चों ने पास ना लगन दे, सब ताड़ दिए, सब चले गए, मैं रह गया। मैं ड्राइवर के पास जाकर इतनी बात कही, आप इसमें स्टार्ट करका ना काटो, हैंडल पैक का काटो। तब तो मैं उनने दम कह दिया, मैं कुछ दूर चले गया। 5-7 मिनट के बाद मैं उनके बात कुछ समझ में आई,
उन्हें हैंडल मारिया, ट्रैक्टर आहिस्ता आहिस्ता करके उभरना शुरू हो गया। मैं फिर उन्होंने कहा आवाज देगा, आप 10-15 मिनट रुको, दोबारा रेता इसका सेट हो जाएगा, फिर इसी तरह करियो। तो कुछ देर के बाद उन्होंने कराया, ट्रैक्टर बाहर निकल गया। उसके बाद उन्होंने मन में धमकाना तो छोड़ दिया, लेकिन भैया तो कोई काम की चीज़ है, इसने अपने पास लगाओ। मैं उनके पास लगे रहना, जब कभी वो खराब है खराब मिस्त्री लोग दिल्ली से या मुजफ्फरनगर से आकर आते, मैं उनके साथ देखता रहूँ था। उनके देखने से मनु ये ऐसी रुचि हुई, मशीनरी की सारी जानकारी होगी। 9 साल के बाद मैं ट्रैक्टर चलाना सीखा, चलाना तब सीखा जब मैं कल्ले कल्ले पुर्जे के बारे में नाम जान गया और उसके फंक्शन में समझने लगा। इस तरह मनु रुचि हुई। उसके बाद मैं अंजन भी ठीक करने लगा, और जिन लोगों के पास ट्रैक्टर और इंजन थे मैं मेरी मदद के लिए आया करा, अपने ही घर से तेल फूका मेरे खेत बहका चले जाया करा, मैं अपने ज्ञान से उनके ट्रैक्टर या इंजन ठीक कर दे करूँ था। इस तरीके से मैं आज यहाँ तक पहुँच गया। मेरे पास 3 ट्रैक्टर हैं और 4-5 बच्चों के पास गाड़ियाँ हैं। 2 पोते मेरे कनेडा जा रहे हैं और 3रा पोता मेरा कनेडा जाकर आया हुआ जिसका भी बच्चा हुआ, और 2 लड़के मेरे पोते चंडीगढ़ पढ़ रहे हैं, लड़के मेरे 3 ये भी यहाँ गाँव में आए गए। तो बड़ा खुशहाल जीवन जी रहे हैं, बड़े आनंद से रह रहे हैं। उन्होंने जो छोटी मोटी तकलीफ हुई है कि मुझे की दवाई लेने का दी और आज मैं बिल्कुल ठीक है। और जिन आदमियों ने दवाई दी वहीं कहाँ हम सेहत तो ठीक हो ही गए, भूख इतनी लगन लगी और कभी महाराज यूँ करा भी खूब खाओ एन स्वस्थित हो गए। 77 के आप हो गए हैं, तो हकीम साहब की दवाइयाँ अपना के, हकीम साहब के नुस्खे अपना के अब आप एकदम सेहतमंद हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जितने आदमियों ने भी दे दी मैं भी यही बात करे, भाई हम तो बच गए, हम तो बड़े सुखी हैं। और मेरे रिश्तेदार मित्र प्यारे जान पहचान के जो भी आदमी मैं सारे मंगवाए कर दे रहा हूँ, क्यों मेरे पास यहाँ उनका एड्रेस है और उन्होंने विश्वास है भी दवाई मारी लग जा, मेरे पास फोन कर दें दवाई पहुँच जा, 3-4 दिन के बाद मैं गाड़ी पहुँचा दूँ। जिन लोगों ने भी दे रहा मैं बड़े सुखी हैं, बड़े आनंद से हैं और सेहतमंद हैं। तो लोगों की खिदमत आप कर रहे हैं लगातार? मैं तो कोशिश यही करूँ अच्छा मेरे से किसी का भला हो जी, और इस जैसा तो और काम ही कोई नहीं, कर भला हो भला अंत भले का भला। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो हकीम साहब से जुड़ के आपको कैसा लगता है, कुछ कहना चाहते हैं हकीम साहब के लिए? तो सर मैं तो यही बात कहूँगा, हकीम साहब ने परमात्मा खूब लंबी जिंदगी दे जिससे मैं लोगों की जीवन और सुखी बना सका और लंबे टाइम तक लोगों की इसी तरह से खिदमतदारी कर सका, यही मेरी प्रार्थना भगवान से है। उनका जीवन जो है सुख में रहा और लोगों की खिदमत करते रहा जी। सर आप गांव वालों की तो मदद करते ही हैं, आप अपने पड़ोसियों को और अपने नाते रिश्तेदारों को भी हकीम साहब की दवाइयां बता देते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो लोग आपकी बातें सुन रहे हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे? यूनानी ट्रीटमेंट घरेलू नुस्खे कितने कारगर हैं, कितने सही हैं? ये तो जो हम अंग्रेजी दवाइयाँ खाएगा अपने शरीर में नुकसान पहुँचा रहे, वो एक तरफ फायदा करा दूसरी तरफ नुकसान करा जी जी। और जो कि हिंदी की दवाई आ इनका तो फायदा ही फायदा, नुकसान की तरफ तो ये जाने की ही नहीं, इस्तेमाल करने से उसका सुख ही प्राप्त होगा, साइड इफेक्ट उनका कोई नहीं। अंग्रेजी दवाई एक तरफ फायदा करागी दूसरी तरफ नुकसान करागी, इनका तो फायदा ही फायदा, अगर फायदा नहीं करे तो इनका नुकसान भी कुछ नहीं। तो मैं तो यही अच्छा समझू अगर जीवन के वास्ता जो ये यूनानी दवाई है ये तो पुरानी पुराने टाइम की दवाइयाँ हैं, हम आज गलत रास्ते पर चल पड़े, या तो यूँ कहो हम गांव के रहने वाले हैं, हमारा खान पान सादा जिस करके हम नहीं दवाइयाँ कारगर हमारे वास्ता तो बहुत फायदेमंद जी। तो सर हमारे परिवार का हिस्सा बन के हकीम साहब से जुड़ के कैसा लग रहा है? मैं तो जी अपने आप को बड़ा सुखी समझ रहा हूँ, और जो आदमियों ने दवाई दी मैं बड़ा सुखी समझ रहे, जब भी मिलूँ मेरा बड़ा शुक्रिया अदा करा मैं, मैं नंबरदार जी आपने जो हमारे वास्ता दवाई मंगवाई हम तो बड़े सुखी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने गांव आपने हमारी पूरी टीम को बुलाया, अपना वक्त आपने हमें दिया, आपकी सेहत जानने का हमें मौका मिला, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद इसके लिए आपका भी और आपकी सारी टीम का।
तो दर्शकों, अभी आपने सुना अक्षर सिंह लंबरदार जी को, जो गदौली गांव में रहते हैं, और बहुत अच्छा लगा जान के कि वो कितने सेहतमंद हो रहे हैं। अपने गांव के लोगों की वो खिदमत भी करते हैं हकीम साहब के नुस्खों के ज़रिए। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अगर दवाइयों के पैसे नहीं दे पाते हैं तो सर अपनी तरफ से भी उनकी मदद कर देते हैं। बिल्कुल, अपने पास तो पैसे देगा, मैं दवाइयां मंगवा दूं जी। गरीब कमजोर आदमी ऐसा नजर आवा, क्यों परमात्मा ने मन मौज कर रखी, मेरे पास सब कुछ है। अच्छा, किसी का भला हो जाए उस जैसी तो बात ही कुछ नहीं। सही बात सर, सही बात। क्यों, एकदम कोई इतने पैसे दे नहीं सकता। न्यू महसूस करा, खबर पैदा करा ना करा, मैं उस आधार पर दवाई दे दूं, चलो सुखी रखा परमात्मा था। तो दर्शकों देखिए, ये बात हमेशा ही हकीम साहब कहते हैं कि अगर आपको मिलता है उनकी दवाइयों से फ़ायदा, उनके नुस्खों से फ़ायदा, तो आप भी ये नेक कार्य ज़रूर कीजिएगा। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप भी अपने घर हमें आमंत्रित करना चाहते हैं, आपका इंटरव्यू लेने आएंगे हम आपके घर, आपकी सेहत का हाल जानने। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, और मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।